हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ लौकी और चने की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। इसे हम चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाने की रेसिपी आपको बताते हैं। हम कुकर में तेल ले लेंगे। तेल हमारा जब गर्म हो जाए तब उसमें हम जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। हरी मिर्च, इसे बीच से मैंने स्लाइस कर लिया है, और बारीक कटी हुई लहसुन डालकर इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज डालकर इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम भिगे हुए चने दाल डाल देंगे। इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो लिया था। अब इसे डालकर हम अच्छी तरह इसे भून लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भून गया है। अब उसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर और लौकी, मैंने यहाँ काट कर रखा है, इसे ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच हरी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हरी धनिया डालेंगे और इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे 4 से 5 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे लौकी चावल बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।